तो गाइस आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड की पुडिंग। और मैंने ब्रेड को बहुत अच्छी तरह से मसल लिया है, पूरा इसको तोड़ देना है जितना हो सके, इसको बस बिल्कुल मसल के रख देना है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ पुडिंग। सो अब इस ब्रेड पुडिंग में मैं डाल रही हूँ ड्रिंकिंग चॉकलेट। तो कैडबरीज की ड्रिंकिंग चॉकलेट मेरे पास है, जितना हो सके इसको ब्राउन कर लेना है हमने। पहले से मैंने ब्राउन ब्रेड ली है और इसमें खूब सारी मैंने ड्रिंकिंग चॉकलेट डाल दी। आप चाहें तो 2-3 चम्मच डाल सकते हैं। आज मेरे घर पे आने होने वाली है लॉयंस की मीटिंग, तो इसके लिए मैंने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। और अब इसमें मैंने डाल दिया चीनी, अच्छी तरह से चीनी भी जितनी आपको स्वीट चाहिए उतना आप टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल लें और इसको पूरा अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो लॉयंस की मीटिंग के लिए आज मैं स्नैक्स बनाने वाली हूँ। जो भी स्नैक्स है उसमें सबसे पहले तो पुडिंग बना रही हूँ। पुडिंग बना के रेडी करके रख दूंगी ताकि फ्रिज में ये ठंडी भी हो जाए। तो अभी इसको पूरा मिक्स करके मैंने मिक्सी में ही डाल दिया है सब कुछ, और मिक्सी में इसको कर लेंगे हम लोग ग्राइंड। अभी मैंने इसको ग्राइंड कर लिया और ये बन गया हमारा मिक्सचर। उसको मैंने पूरा टाइटली पैक कर दिया, उसके ऊपर डाल लिया मैंने क्रीम। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो मलाई होती है फ्रिज में उसको थोड़ा सा बीट करें और उसको यहाँ पे लगा लें। तो मैंने नीचे तो लगाई है मलाई, मेरे पास क्रीम थोड़ी सी पड़ी थी, और इसके ऊपर लगा लिए मैंने फ्रूट्स, बनानास। आप चाहें तो बनाना, एप्पल, मैंगो, जो भी आपके पास फ्रूट्स हैं वो आप लगा सकते हैं। मेरे पास एप्पल थे और बनाना थे तो मैंने वही लगा दिए। अब इसके ऊपर एक और लेयर क्रम्स की, ब्रेड्स की मैंने डाल दी, जो पहले मिक्सचर मेरा तैयार था। अब इसके ऊपर फिर से क्रीम लगाएंगे। तो इसमें मैंने बाजार से बाई की हुई क्रीम का पैकेट लगाया, नीचे मैंने मलाई का ही लगा दिया था। और ये अच्छी तरह से इसको लगा लेना है और इसके ऊपर लगाने हैं फिर से फ्रूट्स। सो मेरे घर पे 10 के आसपास जो है मेंबर्स आने वाले हैं, तो इसलिए अभी मैं बना रही हूँ स्नैक्स पूरे। अभी मैंने मारू भजिया में पटेटो जो है वो कट कर लिए थे, इसमें नमक मिर्च मसाला डाल लिया, ग्रीन चिल्ली ग्राइंड करके डाली थी, और थोड़ा सा बेसन ऐड करने के बाद अब ये खूब सारा धनिया डाल लिया है। धनिया आप खूब सारा डालिए तो धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसमें, और चिल्ली भी हमेशा ग्राइंड करके डालिए तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी मैं करने जा रही हूँ इनको फ्राई, और फ्राई करने के लिए मैंने ले लिया तेल, और तेल में अब इनको डालेंगे। और इनको वन बाय वन डालना है, साथ में नहीं डालने हैं, और एकदम बढ़िया ऑयल गर्म हो तभी डालने हैं। तो ये पतले पतले इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप इसमें जो बेसन है वो बहुत कम डालें क्योंकि बाद में ये पूरा पानी छोड़ देता है, और बेसन पहले से डाल के नहीं रखे, जब आपको बनाने हैं उसी टाइम बेसन डालें और इसको फटाफट से गर्म गर्म बनाएं तो बहुत अच्छे बनते हैं। तो इनको पहले से मैं शैलो फ्राई करके रख लूँगी, फिर उसके बाद दोबारा से मैं डीप फ्राई करूँगी जब मेरे गेस्ट आ जाएंगे, और गर्म गर्म यहाँ पे खिलाऊंगी। और ये जो भजिया हैं कीनिया में बहुत फेमस है, इनको मारू भजिया बोला जाता है। तो मैंने सारे अपने भजिया फ्राई कर लिए अच्छी तरह से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंचन शर्मा ब्लॉग्स। और आज है मेरे घर पे लाइंस की मीटिंग। तो सुबह आपने देखा कि मैंने बनाया है आज मारू भजिया, और साथ में एक डेजर्ट बनाई है ब्रेड की पुडिंग, सॉरी। सो गाइस अब सब मेंबर मेरे घर पे पहुंच गए थे और हमारी मीटिंग शुरू हो गई थी। बाहर ही मैंने लॉबी में ही टेबल चेयर्स लगा दिए थे, तो अभी चल रही है हमारी लॉयंस की मीटिंग। कुक्ड नाउ ओनली स्मॉल बाइट्स, या स्मॉल स्मॉल बिस्किट बाइट्स। व्हाट डिड यू पुट ऑन? चीज एंड आई हैव पुट चिली सॉस एंड देन दिस अनियंस एंड या नॉट अनियन ओनली एंड ओह कैप्सिकम ऑन टोमेटो एंड कुकुम्बर। समबडी इज कॉलिंग मी इनसाइड। अने नाउ अवर बर्थडेज एंड ऑल दैट आई एम कंफ्यूज्ड विद दैट प्रॉब्लम। आई थिंक एवरी ईयर बर्थडे इज नॉट इन अ लिस्ट नो अर्लियर वी हैड अ स्मॉल बुकलेट यू नो आई डोंट नो कंचन धूल नो प्रॉब्लम या एवरी वन कैन पोस्ट। Yes, say only now for, okay, on behalf of Lance.
Come this side, everyone. And feeding us with all these lovely stuff. First you try, then you say. Big hand. Thank you. Thank you. Well done, teacher. Good job. Thank you. First you try, then you can tell me. Thank you so much. You can take a picture. Our next meeting will be first Tuesday of the month. Of the food. Yeah. Every time first Tuesday. Hey, Hindu Ben has sent regards to everyone. She's in Nairobi already. In Nairobi. Oh, good. सो गाइज लायंस क्लब ऑफ मेनेंगाई जो है वो एक लेडीज क्लब है और यहाँ पे हम लोग मंथली मीटिंग कंडक्ट करते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज भी करते हैं और हम लोग एक होम रन करते हैं जिसमें कि 35 गर्ल्स हैं उनका पूरा खाना पीना स्कूलिंग उसका हम देखते हैं. तो अगर आप लोगों को किसी को भी डोनेशन देनी हो सो एवरीवन इज़ वेलकम. इवन आपको अगर हमारा क्लब ज्वाइन करना है देन आल्सो यू आर वेलकम. यू हैव टू पे द सब्सक्रिप्शन ईयरली. और हम लोगों ने इस मीटिंग में प्लान किया है कि नेक्स्ट क्रिसमस पार्टी में क्या क्या करना है. गर्ल्स के लिए हम लोग क्रिसमस पार्टी जो है वो थ्रो करते हैं एवरी ईयर. सो किसी को भी कोई भी डोनेशन देनी है अगर होम के लिए तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है और वो सारी डोनेशंस गर्ल्स को फीड करने के लिए यूज होंगी. क्या गाइज ये थी लाइंस की मीटिंग आज की और अभी हो गई है शाम. अभी वेट कर रही हूँ मैं सुहानी का, वो तो अभी तक आई नहीं है. 5 बज गए हैं. तो सो गाइज कीप वॉचिंग माई ब्लॉग. डोंट फॉरगेट टू शेयर लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ये ना कुरु की लाइफ है हमारी. तो ये लाइंस क्लब में भी हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं. लेडीज पार्टी है, बस लेडीज ग्रुप है. सो होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा. कीप वॉचिंग. बाय बाय.